हेलो तो गाइस, कैसे हो आप सभी? और आप देख रहे हो आपका अपना हार्ड गेमर चैनल। और गाइस, आज मैं एक ऐसी जगह जाने वाला हूँ जहाँ पे मतलब बहुत कुछ हमें अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब ऐसी जगह जहाँ मतलब बहुत कुछ टेक से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड बहुत कुछ हम देखने वाले हैं आज। तो और आज डेट है 17th October 2019 एंड आज का डे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। आज मैं कुछ ऐसा देखने वाला हूँ, कुछ नहीं बहुत कुछ ऐसा देखने वाला हूँ जो आई थिंक मैंने कभी नहीं देखा पहले, मतलब लाइव, यू नो, समझ रहे हो ना। चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे बहुत कुछ देखा है जो मशीनरी से रिलेटेड है, ये पूरा स्किल डेवलपमेंट। जैसे जो भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप लोग आके सीखते हैं तो बहुत अच्छा है ये। प्लीज़ गाइज़ एक बार यहाँ पर विज़िट करें, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो कोई भी आता है उनको ये लोग ज़रूर विज़िट कराते हैं, सबको विज़िट ज़रूर कराते हैं। आप लोग एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, ठीक है। तो आगे मिलते हैं, ठीक है। अभी हम मेडिकल वाले सेक्शन में से आए हैं और वहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा। जो थोड़े बहुत बच्चों ने बदतमीजी करी उसको इग्नोर मारना भाई, क्योंकि यार अब स्कूल ट्रिप पे आए हैं तो ऐसा होता जाता है। मतलब आपको पता है, ऐसा आप भी आए होंगे तो आपके साथ भी हुआ होगा, तो उस चीज़ को इग्नोर मारना भाई। जो मेन मैटर था उसको ध्यान से सुनना प्लीज़। बहुत मुश्किल से शूट किया है, हाथ में दर्द हो गया शूट करते करते, तो प्लीज़ एक बार ध्यान से देखना गाइस, ओके। चलो आगे मिलते हैं, अब नेक्स्ट जो भी सेक्शन होगा उसमें देखते हैं क्या है और बताते हैं आपको, ओके। बाहर नर्सिंग करने के लिए जाता है, बाहर नर्सिंग करेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद आपको इंडस्ट्री में भेजा जाता है। 2-3 महीने फॉर्मेलिटी के लिए या कुछ भी कह लीजिए इंडस्ट्री में भेजा जाता है। यहाँ अपन ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ यहाँ क्या होता है। बैचलर ऑफ वोकेशन 3 साल की डिग्री कोर्स होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ईयर स्टार्ट करा अपन ने, 6 महीने आपको यूनिवर्सिटी में रहना पड़ता है। उस 6 महीने का प्रोसीजर बताता हूँ। हमारी थ्योरी क्लासेस दूसरी साइड में है ना, ये हमारा स्किल लैब है। यहाँ पे हम लोग स्टडी का जो पैटर्न है वो कैसा यूज़ करते हैं, आपको एक दिन हमने थ्योरी कराई, आपको पढ़ा दिया हमने सब कुछ, जैसे बाकी स्कूल्स में अपन करते हैं। 12th तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, किताबें पढ़ी, रट्टा मारा, जो भी जितना समझ में आया अपना, ठीक है, एग्जामिनेशन दिए, एग्जाम में रात रात भर पढ़ के पास हो, है ना। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ हम लोग आपको एक दिन पढ़ाई कराई, थ्योरी पढ़ाया, उसी टॉपिक को नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं। सेम प्रोसीजर हमारा 6 महीने तक चलता है, एक दिन थ्योरी, एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन थ्योरी, एक दिन प्रैक्टिस, ये हमारा प्रोसीजर है, ठीक है। उस प्रोसीजर के दौरान मान लो मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 100 बच्चों में 20 बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फैक्ट है, यही होता है। बैक बेंचर्स जो होते हैं या तो मस्ती मार रहे होते हैं या तो फिर बातें कर रहे हैं, फैक्ट है, जेन्युइन थिंग है ना, सब लोग जानते हैं अपन ये चीज। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास में थ्योरी में चलता है, प्रैक्टिस के दौरान आपको 5 स्टूडेंट पे 1 ट्रेनर मिलता है, केवल 5 स्टूडेंट पे 1 ट्रेनर मिलता है, ताकि उन 5 बच्चों के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। एक बच्चा मेरे को 5 बार पूछेगा, 10 बार पूछेगा, 20 बार पूछेगा, 5 बच्चों में इतना टाइम नहीं लगता, मैं सबके डाउट क्लियर कर सकता हूँ। 100 बच्चे एक साथ पूछेंगे मैं नहीं कर सकता, इट विल टेक सम टाइम, है ना। तो ये हमारा प्रोसीजर, 6 महीने के बाद में आपको यहाँ पे आना होता है, 6 महीने के बाद हम भेजते हैं आपको इंडस्ट्री के अंदर, हॉस्पिटल्स हो गए, होम केयर हो गए। हॉस्पिटल्स में होते हैं डॉक्टर, वहाँ बैठे रहते हैं, मरीज उनके पास जाते हैं। होम केयर होता है, पेशेंट घर पे बैठा रहता है, डॉक्टर उसके पास जाता है, उसे होम केयर बोलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में आपको भेजा जाता है, वहाँ पे मेन थिंग आपका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री में जब आप एंटर करते हो आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ की सैलरी स्टार्ट हो जाती है 7 से 10 हज़ार फर्स्ट ईयर में, मतलब 6 महीने के बाद में 7 से 10 हज़ार आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। प्लस बच्चे का कितना नॉलेज है, वो सैलरी डिपेंड करती है उसके नॉलेज पे, कि बच्चे ने कितना सीखा है यूनिवर्सिटी के अंदर और कितना उसने नॉलेज गेन करा है, कितना हैंड प्रैक्टिस करा है, उस पर डिपेंड करता है। आपने इंडस्ट्री खत्म करी, 6 महीने आपने पैसे कमाए अच्छे से, वापस आ गए सेकेंड ईयर में, आप सोचते हो कि नहीं यार पैसा अच्छा मिल रहा है, सैलरी अच्छी मिल रही है, मैं नहीं जा रहा एक कॉलेज अब दोबारा,
अभी हम लोगों ने कौन सा ऑटोमोबाइल सेक्शन देखा था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था गाइस, उसका भी क्लिप मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, आगे अपन धीरे धीरे जा रहे हैं। मेरे को बस वो 3D प्रिंटर देखना है, मैं उसी लिए यहाँ पे आया हूँ। अब तेरे को क्या देखना है सन्नू, बताना। नेटवर्किंग सिस्टम भाई मेरे को है ना 3D प्रिंटर देखना है, आज तक नहीं देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे उसमें कोई सी भी अपन मॉडल बना सकते किसी भी तरह से, एक छोटी सी मशीन से, तो वो बहुत क्रिएटिव सा लगता है, इसीलिए मेरे को वो देखना है। चलिए देखते हैं आगे क्या देखते हैं। गाड़ी को, गाड़ियों के इंजन को भी मोड करते हैं, पूरी ट्यूनिंग करते हैं। देख रहे हो ना आप कैसे इंजन पे काम चल रहा है, तो आगे हम दिखाते रहेंगे जो भी होगा। ठीक है गाइस, आप लोग दूर दूर तक देख सकते हो, यहाँ पर सारा ही ऑटोमोबाइल एरिया है और बहुत ही शानदार एरिया है। यहाँ पर सब गाड़ियों के फोर्स के लिए लोग सब ट्रेनिंग देते हैं। गाइस ये देखिए, ये एक साइकिल थी जिसका मोड इन लोगों ने बनाया है, मोड बनाया है, इसमें बाइक का इंजन इन्होंने जोड़ दिया है। अभी ये रेडी नहीं है पूरी तरह, होएगी धीरे धीरे रेडी होएगी, जब होएगी जब ये लोग दिखाई देंगे। जितने भी सामने ऑब्जेक्ट रखे हुए वो सब इन्हीं से बन के आए हैं, तो डायमेंशन देते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं और ये इनपुट देते हैं, फिर अंदर प्रोसेसिंग होके ये सारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। जैसे 2D होता है ना प्रिंटिंग, आपने तुमने सिंपल देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर प्रिंट निकालते हैं, कोई पेज का प्रिंट आउट किया कुछ किया, ऐसे अपने कोई चीज बनाई उसका 3D प्रिंट आ गया। वहां मतलब कलर भी सेम होता है, कलर भी सेम होता है, कलर जैसे रेड और व्हाइट वाले नहीं, प्लास्टिक के पता है ना, वो पॉलीमर का वो है ना पूरा, वो पॉलीमर का पाइप सा नीचे हुआ ना वो चीज है, वो अंदर जा रही है, पिघल रही है, उसी से बन रहा है, उसी से बन रहा है। मतलब डायमेंशंस वगैरह अपन सॉफ्टवेयर से ले, वो एक डेटा कैसे तू बना शेयर कर रहे हैं और उस डेटा पे एक्शन भी ले रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट ऑफ मैन, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि थिंग्स मतलब आप कोई भी चीज़ इंटरनेट से जुड़ती चले, हर चीज़ जुड़ रही है, जैसे आपका मोबाइल जुड़ा हुआ है, आपका रेफ्रिजरेटर जुड़ रहा है, आपकी स्मार्ट TV आ रही है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, स्मार्ट कार आ रही है, हर चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है जुड़ती चली जा रही है। ठीक है, आप अपने मोबाइल में कहीं से भी कहीं का भी टेम्परेचर देख लेते हो, कहीं से भी ह्यूमिडिटी देख लेते हो, आज बारिश होगी कि नहीं होगी ये सब देख लेते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे मौसम विभाग ने कुछ ऐसे सेंसर्स लगा रखे हैं जो रीडिंग लेते हैं, उस रीडिंग के बेस पे वो सॉफ्टवेयर होते हैं इनके पास जो प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो आज के समय में जो चल रही है। तो ये जो स्मार्टनेस है, स्मार्ट कैसे बन रहे हैं, डिवाइस स्मार्ट कैसे हो रही है, आपने कभी अपना गेम खेला है मोबाइल में रेसिंग का, उसमें क्या होता है फोन को टिल्ट करो तो गाड़ी भी इधर हो जाती है, देखा है? क्यों? वो स्मार्ट है, उसको पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। कैसे? क्योंकि उसमें जायरो सेंसर है, एक्सीलरोमीटर सेंसर है, वहाँ पे कई सारे सेंसर होते हैं आपके फोन में। ठीक है, जायरोस्कोप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो सेंसर हैं, ये सेंसर आपकी चीज़ों को स्मार्ट बनाते हैं। ठीक है, आज के समय में सबसे ज़्यादा एक बड़ा इमर्जिंग सेक्टर है, जो बहुत ही बड़ा इमर्जिंग सेक्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें जॉब्स निकल रही हैं ऑलरेडी और आगे भी बहुत सारा। स्मार्ट सिटी सुना होगा आपने, सिटी स्मार्ट कैसे बनेगी, जब उसमें हर चीज़ स्मार्ट, स्मार्ट मतलब डिसीजन ले सके अपने आप को उसे क्या करना है, है ना, डिपेंडिंग अपॉन जो हम लोग हैं, जो स्मार्ट सिटी के जो रहने वाले हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग बसें होंगी, स्मार्ट होंगी, राइट। आपके फ़ोन पे आ जाएगा कि भाई बस स्टॉप से निकल चुके, स्टॉप पे पहुंचने वाली, आप पहुंचो वहाँ पे, समझ में आ रही है। ये सारी चीज़ें जो स्मार्टनेस हैं ये सेंसर्स के थ्रू होती हैं। तो यहाँ पे ये हमारी जो IoT लैब है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब समझ में आ गया, ये वो इंटरनेट है जिसे थिंग्स यूज़ करती हैं, मशीनें यूज़ कर रही हैं, वो डेटा एक दूसरे से शेयर कर रही हैं और उसके अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। आपका AC आप फिट कर दो, अगर 24 डिग्री से 23 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो वो क्या करेगा, AC ऑन हो जाएगा। जैसे ही रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री से नीचे हुआ, AC बंद हो जाएगा। ये क्या है, ये स्मार्टनेस है। अगर ये नहीं होता तो आप क्या करते, आप सो रहे हो फिर नींद से उठोगे, यार बड़ी ठंड लग रही है, बंद करो। लेकिन वहाँ पे आपने उसे समझा दिया, वो वही काम कर रहे हैं। ये क्या है, ये स्मार्ट है। ठीक है,
इसी को बोलते हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो लैब है हमारी, इस लैब में हम यही सारी चीज़ें सिखाते हैं, बच्चे नए नए प्रोजेक्ट बनाते हैं, कई तरह के जैसे स्मार्ट डस्टबिन है प्रोजेक्ट है, आप डस्टबिन के सामने जाओगे डस्टबिन अपने आप ओपन हो जाएगा, जैसे ही आप फटोगे डस्टबिन के सामने तो अपने आप बन जाएगा। एक साइकिल बनाई है, वो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, उन्होंने बनाई है, एक व्हीकल बनाई हुई है जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करती है, अगर उनसे सामने कोई भी चीज आ जाती है तो अपना रास्ता बदल देती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी सेंसर्स हैं, ठीक है। तो ये अब जैसे ये एक आईओटी किट है, इसमें देखो यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं, जैसे ये PIR सेंसर, ये क्या है, मोशन सेंसर, जैसे इसके ऊपर हाथ लाओगे ये डिटेक्ट कर लेगा कि कुछ हो रहा है। इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं मैं बता सकता हूँ, घर में कहाँ, गेट के पास गेट के ऊपर कर सकते हो। आपने देखा भी होगा, अगर वहाँ हमारे जाओ बीकानेर वगैरह में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो गेट अपने आप स्लाइड होकर खुल जाता है, जीटी में हर जगह इसकी वजह से। जीटी में ये क्या है आपका, ये देखो ये है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सेंस करते हैं, इसका नाम है DST लेवल, ठीक है। ये क्या है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये क्या करता है, बैट जाए तो बैट किस पे काम करते हैं, बैट, हाँ वो अल्ट्रासोनिक सिस्टम, वो मुझे तो दिखता नहीं है ना, वार्मेस्टर क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं, तो वेव्स लड़के वापस आती हैं, उसके टाइम इंटरवल से उन्हें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, डिस्टेंस है। हेलो, यहाँ पे इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेंसर हैं, ये क्या है, छोटा सा कंप्यूटर है, इसको कहते हैं रास्पबेरी पाई, ये इसमें रैम वैम सब है, ये सिर्फ छोटा सा कंप्यूटर, ये इसमें फिक्स कर दिया है बोर्ड का, ये आप निकाल लो अपने जेब में लेके घूम सकते हैं। आपको क्या चाहिए, एक स्क्रीन जिसे ये कनेक्ट कर सकते, आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते, एक माउस, एक कीबोर्ड, कीबोर्ड भी छोटे छोटे। हाँ तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ और अभी रात के शायद 12 के आसपास बज रहे हैं, मैं अभी सोया नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अभी व्लॉग एडिट कर ख़त्म करा है और इस ब्लॉग को डालने मेरे को देर इसलिए होगी क्योंकि ना अभी मेरे एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम लूँगा फिर दिवाली तक आएगा ये ब्लॉग, यानी आज से 10 दिन बाद, तो ठीक थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करो, चलो मेरे वीडियो देखते हैं, ठीक। और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, या फिर किस गेम का चाहिए, किस गेम का मोड चाहिए, वट एवर आपको जो कुछ भी चाहिए, कोई नई मूवी आई है जैसे उस वो चाहिए, कहाँ से डाउनलोड करें, लिंक वगैरह जो भी है एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना। और व्लॉग में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना, क्योंकि शूट करने में बहुत मेहनत लगती है और लगी भी है, तो ठीक है मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना क्या चाहिए आगे ताकि थोड़ी हेल्प हो जाए, हमें बहुत कुछ ढूंढना पड़ता है, ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके तो गाइस व्लॉग आप देख चुके हो, नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने जो अपडेट्स होते हैं कुछ भी मैं नया डाल रहा हूँ वो सब मैं वहीं बताता हूँ, और वहाँ पे आप मेरे से इजीली कांटेक्ट भी कर सकते हो, कुछ भी आपको चाहिए नया, कोई सी मूवी का लिंक, गेम का मोड, कुछ भी मैं आपको वहाँ पे दे सकता हूँ इजीली, तो वहाँ पे आके प्लीज़ मेरे को गाइस फॉलो कर लो, और एज ऑलवेज गेम खेलते रहो, खिलाते रहो, नूब से प्रो बनते रहो और सबकी बजाते रहो। बजाते रहो सबकी, बजाते रहो सबकी, बजाते रहो।